जानते हैं फाउंडेशन बैच में वो लड़का पढ़ा रहे हैं, नागरिकता पढ़ा रहे थे, तो बोला सर राहुल गांधी तो इटली का नागरिक है, राहुल गांधी इटली का है, वो लड़का बोल रहा था इटली का है जी, है ना, वो भारत का है महाराज, शुद्ध रूप से वो भारत का है। बताइए विद्यार्थी सब कितना कंफ्यूजन में रहता है। देखिए टीचर सब जो है विद्यार्थी को भड़काता कैसे है। शनिवार को मिलते हैं ना विद्यार्थी से, तो शनिवार को मिले थे, मिल रहे थे, तो अब पता नहीं हम नहीं पूछे, कोई टीचर है वो 10 गो पॉलिटी का क्वेश्चन लिखाया, ठीक है, और बोला कि जहां भी पढ़ता है, यानी वो अपने विद्यार्थी को बोला होगा कि तुम जो है ना मतलब अपने पार्टनर सबको देना जो दूसरे जगह पढ़ता होगा, उसको ही पॉलिटी का क्वेश्चन दे देना और कहना 10 में से 5 गो बनाने के लिए। तू पॉलिटी का क्वेश्चन लेकर के आया मेरे पास, तो एक तो क्वेश्चन वही सब था, क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस यही क्वेश्चन में लैंग्वेज था, मतलब यूपीएससी का क्वेश्चन जो है सीधा उठा करके दे दिया, ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन सीधा उठा करके दे दिया, मतलब जो है विद्यार्थी को बरगला रहा था कुल मिलाकर के। तो वो लड़का बोला कि सर हम तो आपके पास पूरा पॉलिटी पढ़ लिए हैं, तो ये 10 क्वेश्चन कॉपी में कहां है, ठीक है। और लड़का थोड़ा बकलोल था, बकलोल इसलिए हम बोल रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन क्या क्या था, सुनिए। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, अब उसमें 4 गो भाषा था, 11 गो मौलिक कर्तव्य कॉपी में लिखा है, जाकर के देखिए ना, अब वो क्वेश्चन उसको कॉपी में नहीं मिल रहा था। फिर दूसरा था निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो अनुच्छेद 4 गो अनुच्छेद लिख दिया था, 1 गो राज्य का नीति निर्देशक तत्व दे दिया, 3 गो मौलिक अधिकार, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व वाला नहीं होता। फिर अगला था कि इसी प्रकार से राष्ट्रपति का जो है, यानी पूरा भाषा में था कुल मिलाकर के क्वेश्चन, और फिर जो है हम उसको सब खोज खोज करके दिए, तब वो कहने लगा, बताया हमको कि देखिए फलना टीचर जो है ना, कोई टीचर बोले नाम नहीं लेना है, वहां पे और भी लड़का था, बोले नाम नहीं लेना है, किसी भी टीचर का हमारे पास नाम मत लीजिए, हम किसी भी टीचर का नाम नहीं लेते हैं, बोलना फलना टीचर जो है अपने विद्यार्थी को दिया और कहा कि अपने पार्टनर से ही 10 क्वेश्चन बनवाना, समझ गए, और अगर नहीं बनाएगा तो उसको कहना आकर के मेरे पास पढ़े। तो वो लड़का ई सब क्वेश्चन था बताइए नहीं खोज पा रहा था, मतलब बकलोले न था, समझे। तब उसको बढ़िया से समझाए और बोले देखिए आपके कॉपी में सब चीज है, आपको खोजने नहीं आता है, हम आपको खोज करके दे रहे हैं, जाइए आप सबको दिखा दिए। तब कहने लगा हाँ सर सब है, अब हम जाते हैं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम जाते हैं, आप जो कहिएगा हम वही करेंगे, अब पहले कॉपी को हम रटते हैं और फिर उससे बात करेंगे। तो मतलब क्या बताया जाए। और अभी अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, देखिए हिंदी मीडियम का रिजल्ट काफी खराब रहता है, इसमें कोई शक न है, 42-44, अब 1000 गो में 42-44 गो होता है, 50 गो होता है, कभी 52 गो होता है। और देखिए क्या होता है जानते, रिजल्ट में क्या होता है हम आपको बताते हैं, रिजल्ट में क्या होता है कि यूपीएससी के रिजल्ट में स्पेशली हम आपको बता रहे हैं, यूपीएससी में एक अंतिम दौर होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए लोग टाई बेल्ट सब लगा करके अलग अलग कोचिंग में जाता है, कोचिंग वाला क्या करता है उसका वीडियो बना लेता है, जैसे रिजल्ट आता है, जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही जो है अपलोड कर देगा, ये विद्यार्थी हमारा, ये विद्यार्थी हमारा, एक ही विद्यार्थी सब इंस्टीट्यूट में घूमेगा, अब पता कर लीजिएगा, एक ही विद्यार्थी दिल्ली के हर इंस्टीट्यूट में घूम जाएगा, समझे। और मेन वो घूमने का कारण क्या है, तो इंटरव्यू। और एक बात आप जानिए, हम भी पीसीएस का तैयारी किए हैं, एक बात आप जानिए, पीसीएस अगर पास करना है, अगर आपका लक्ष्य है पीसीएस, राइटिंग स्किल बेहतर कीजिए,
और पीसीएस का मतलब ना पीटी होता है ना इंटरव्यू होता है, पीसीएस का मतलब होता है मेंस। मेंस में अगर आप बेहतर किए हैं, इंटरव्यू में कम भी मार्क है, कुछ नहीं होने जा रहा है, आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर होगा। और अगर आप मेंस में बेहतर किए हैं, अगर आप में लिखने की क्षमता है, लिखने की क्षमता है मतलब आपके भीतर है वजन है, आप में नॉलेज है और इसी वजह से आप बेहतर लिख पा रहे हैं, और अगर आप में नॉलेज है इसी वजह से आप लिख पा रहे हैं, और जब आप लिख पा रहे हैं तो आप बोल भी पाएंगे अच्छा से, तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा। और पीसीएस ऑल अबाउट डिपेंड ऑन रिटेन एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन पूरी तरीका से मेंस एग्जामिनेशन पर डिपेंड होता है। और मेंस एग्जामिनेशन की हम बात करें, कोई भी संस्थान ये दावा कभी नहीं कर सकता, कोई भी संस्थान, दिल्ली का, पटना का, बनारस का, इलाहाबाद का, बंबई का, कटिहार का, बेंगलोर का, कहीं का भी संस्थान ये दावा नहीं कर सकता है। कभी सुने हैं कोई संस्थान दावा किया है कि रिटेन एग्जामिनेशन हम निकलवाए हैं? नहीं, रिटेन एग्जामिनेशन विद्यार्थी स्वयं के बदौलत निकालता है, स्वयं के बदौलत निकालता है, अपने बदौलत रिटेन एग्जामिनेशन निकालता है। टीचर कितनों कुछ दे दे, जब तक विद्यार्थी के भीतर कुछ होगा नहीं, वजन नहीं होगा, चीजों का संग्रह नहीं होगा, कंसेप्ट नहीं होगा, तब तक वो मेंस में लिख ही नहीं पाएगा। समझिएगा, पीटी तो 50-55 में पास होता है, वो पास करना बहुत आसान है। इंटरव्यू भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इंटरव्यू में बचपन से लेकर आज तक जो सीखे हैं वही है, समझे। मेन होता है मेंस, और कोई संस्थान ही दावा नहीं करता है कि मेंस में हमारे यहां से इतना निकला है, कोई संस्थान दावा नहीं करता है, समझे। तो ये है, अब जो है सो है, सब है, सब बेहतर है। तो लोग जो है ना जानते, हम एक बात बताना चाहते हैं, चप्पल खोल के मारेंगे, सुनो जो सुना रहे हैं सुनो, नहीं निकलो, भागो यहां से, मुंह बना रही, भागो, कौन बोला, हम बुलाए हैं। चलिए, विद्यार्थी का कोई कमी है रोशन आनंद को जी? अरे रोशन आनंद बिट्टू झा मेहनत करना जानता है, समझ गए। अगर जीरो भी हो जाएगा ना, फिर भी खड़ा कर सकते हैं, दिन रात मेहनत अभी भी करते हैं, तो भरम में मत रहिए। तो मुंह नहीं बनाना है, जो बोल रहे हैं सुनो, नहीं तो भागो यहां से, सीधे बात, सीधे तौर पर। चलिए, तो देखिए एकाध को एग्जाम्पल देते हैं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक बात आप जानिए, और ये जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए, एक संस्थान है दिल्ली का, हिंदी मीडियम का, यूपीएससी का टॉप मोस्ट संस्थान है, उसका स्थान हिंदी मीडियम में कोई नहीं लिया है अभी तक, और नहीं कोई लेगा। उसके पीछे रीजन है, रीजन क्या है जानते हैं? देखिए एक बात आप जानिए, जो व्यक्ति स्वयं किसी मार्ग पर चला है, उस मार्ग पर आपको चला करके आपके मंजिल तक पहुंचवा सकता है। उस संस्थान के जो सर्वे सर्वा है, वे स्वयं यूपीएससी परीक्षा क्रैक किए हैं, और इसी वजह से उस संस्थान के सर्वे सर्वा के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने यूपीएससी क्रैक किया है, और उन्हीं के बराबर के ओहदे के और एक इतिहास के टीचर है, जिसको सिर्फ आप बकैती करते ही देखेंगे। ठीक है उनका नाम है, लेकिन उनके नेतृत्व में गिना चुना लोग आईएएस बना है, क्योंकि वे स्वयं भी कभी आईएएस की परीक्षा पास नहीं किए हैं। एक ये हो गया। दूसरी बात, आपको हम अनेकों एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे इस संस्थान की अगर आप बात करेंगे, तो इस संस्थान से सैकड़ों दरोगा बना है, सैकड़ों दरोगा बना है। उसके पीछे रीजन क्या है जानते हैं?
रीजन बस यही है कि हम इस परीक्षा को चार बार क्वालिफाई किए हैं, और जो पढ़ के हम क्वालिफाई किए हैं और जिस तरीका को अपना करके हम क्वालिफाई किए हैं, वही तरीका वही चीज हम अपने संस्थान में अपनाते हैं। इसी वजह से यहां से सैकड़ों की संख्या में दरोगा बनता है, समझ गए। और कुछ लोग जिसको किसी भी चीज का कोई अनुभव नहीं है, ना तो उसने कभी यूपीएससी का पीटी परीक्षा भी पास किया है, ना तो कभी बीपीएससी का पीटी परीक्षा भी पास किया है, ना कभी जीवन में नीट जेई का एग्जाम दिया होगा, वो भी आपको यूपीएससी को पढ़ाने चला है, वो भी बीपीएससी को पढ़ाने चला है, नीट को पढ़ाने चला है। यूपीएससी बीपीएससी तक तो समझ में आता है, लेकिन नीट जेई समझ में नहीं आता है। हम जिस संस्थान की बात कर रहे हैं, दिल्ली के जिस संस्थान की बात कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में सैकड़ों आईएएस बना है, वो अगर चाहे वो भी नीट जेई का कोचिंग खोल सकता था, वो भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उन्होंने अपने आप को सीमित करके रखा। और यही वजह है, लगातार उस पर काम करते रहा, और यही वजह है कि उस संस्थान से लगातार रिजल्ट हो रहा है। और कुछ लोग अपना फेस वैल्यू बना करके उसको भंजा रहे हैं, आप लोग समझते नहीं है, जो स्वयं कभी कोई परीक्षा पास नहीं किया, दरोगा तक का परीक्षा पास नहीं किया है, वो क्या आपको बनाएगा, समझ गए। तो हम आपसे यही बोलेंगे, और बोलना पड़ा क्योंकि छात्र को भड़काने का काम वही कर रहा था, समझ गए। लड़का बाद में आकर के हमको बोला, समझ गए। तो अपना तो कभी एगो परीक्षा ने पास किया है, अपना तो हमारा बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक जाकर के कॉपी कट टेस्ट कॉपी किया है, समझ गए। बीपीएससी में जो है एक बिहार के ही पटना के एक बहुत बड़े जेएनयू के टीचर है, दरोगा में देखिए वो क्या किया, दरोगा में हमारा सब चीज कट पेस्ट कॉपी कर लिया, और बीपीएससी में जो है जेएनयू के एक बहुत प्रसिद्ध टीचर है, बीपीएससी में सारा मटेरियल उसका कट पेस्ट कॉपी कर लिया, अब नाम जो भी हो आप पता कर लीजिएगा, वो केस मुकदमा भी किया है, समझ गए। और यूपीएससी में भी वो किसी का कट पेस्ट कॉपी ही किया है, तो कट पेस्ट कॉपी तो शुरू से आदत रहा है, वही करेगा, समझ गए। और आप लोग समझते नहीं है, नहीं समझिएगा तो हमारा क्या लीजिएगा, समय आपका जाएगा, आप बर्बाद होइएगा। आगे आइए,